नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। एक बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने नवाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जानकारी है कि वो महिला अवैध तरीके से यहां पर रह रही थी। उसने यहां तक की शादी भी कर ली थी, एक शख्स से शादी कर ली थी और अवैध तरीके से रह रही थी। किसी को उसको लगा कि शायद किसी को कानो कान खबर भी नहीं मिलेगी, लेकिन बीच में कुछ लोग निकल आते हैं जिनको जो थोड़ा समाज के लिए थोड़ा सा चिंता करते हैं कि समाज में कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ऊट पटांग लोग आके रह रहे हैं, कोई बिना जानकारियों, क्योंकि कई तो कईयों के तो पता ही नहीं है, आधार कार्ड भी है कि नहीं है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कौन पता नहीं। बस स्टैंड में एक व्यक्ति को पकड़ा था, उसका तो किसी ने 10-15 सालों से यही घूम रहा है। लोग कह रहे थे बस स्टैंड ठीक, इसका तो पता ही नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आया, इसके पास ना आधार कार्ड है, ना जानकारियां हैं, ना ऐसे कोई पूछता है, ना कोई कुछ करता है। और ऐसे ही शायद बांग्लादेश की महिलाएं भी ऐसा कर रही थी। कई सारी घटनाएं पहले अगर हम देखें तो कई सारी महिलाएं जो हैं, रोहिंग्या महिलाएं हैं, वो बांग्लादेश से उनको लेकर आते हैं और ये जो तस्कर हैं और फिर घाटी में लेकर भेज देते हैं। कुछ तो ऐसी भी जानकारियां हैं, वहां से पैसे देकर ये महिलाएं जो थी, लड़कियां जो थी, नाबालिग बच्चियां भी आ जाती पैसे देकर कि हमारी कश्मीर में जा, भारत में ले जाकर कहीं शादी करवा दो ताकि हमारा जीवन यापन ठीक हो जाए। तो उनको ये वहां से यहाँ लाते थे और फिर यहाँ शादी करवा देते थे। तो स्थितियां बांग्लादेश की काफी खराब है और अब तो वहां पर तख्ता ही पलट हो गया है। प्रधानमंत्री को वहां से देश छोड़कर निकलना पड़ा। अब स्थिति वहां पर बांग्लादेश की ये है कि वहां पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर लोग भारत के अंदर भी इसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकारों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। पूरा विश्व जो है वो कहते हैं एक अम्ब्रेला है, लेकिन जब कोई दुख तकलीफ में जाता है तो वहां सियासत और राजनीति शुरू हो जाती है। और सिर्फ भारत के अंदर की स्थिति नहीं है, बाहर की भी स्थिति ऐसी है। कोई कह रहा है कि वहां पर उन लोगों को सबक सिखाया जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई समझ नहीं आती यहाँ पर राजनीति क्या हो रही है। लेकिन ये जो महिला बांग्लादेश की अवैध तरीके से यहाँ पे रह रही थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या कुछ जानकारियां हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दरअसल ये बांग्लादेशी महिला जो थी, उसको नवाबाद पुलिस ने अपने पति समेत, पति और एक और कोई व्यक्ति है, तीन लोगों को गिरफ्तार किया। महिला जो है, पुलिस जानकारी देती है, महिला बिना कागजात के यहाँ पर रह रही थी, उसने शादी भी कर ली थी। तो ये बताते हैं कि बांग्लादेश की रहने वाली ये महिला है और 3 माह का वीजा लेकर ये यहाँ पर आई थी। 3 माह का इसने वीजा लिया था, वीजा लेकर यहाँ आ गई थी। उसने वीजा खत्म होने के बाद एक राकी नाम का कोई लड़का है बागे बहू का, उससे शादी कर ली थी। और 3 महीने का वीजा तो खत्म हो गया, बाकी बाद में शादी करके तो उसके साथ रहने लगी। अवैध तरीके से रह रही थी। दोनों पूर्ण नगर में किराए के मकान में रह रहे थे। मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया, तो मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान जो है समनाम सिंह के रूप में हुई है, समनाम, और उसने अवैध तरीके से बिना किसी वेरिफिकेशन के किराए पर रखा हुआ था। ये समनाम जो है, समनाम सिंह, इसने किराए पर बिना वेरिफिकेशन के रखा था। तो बड़ा हैरान करने वाला मामला है। हमें लगता है कि लोग थोड़े जागरूक हो, समझदार हो, स्थितियां देखें, विश्व की स्थितियां भी देखें, अलग अलग देशों की भी स्थितियां देखें, वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा जागरूक हो। चुप रहना तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इतने भी चुप ना हो जाओ कि पाओ के नीचे से जमीन ही निकल जाए और बाद में आप चीखने लगे हो कि नीचे खड्डा कैसे हो गया। तो थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दे इजाजत, नमस्कार।